देश की प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर परिसर से लापरवाही की एक डरावनी तस्वीर वायरल हो रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग पानी के तेज बहाव में अपने जान को जोखिम में डालकर पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कल ही एक युवक अपनी हठधर्मिता के कारण छिलका पुल के ऊपर से बह गया था, क्योंकि पानी की तेज बहाव थी और लोगों के द्वारा मना किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उस युवक ने जिद किया और पानी को पार करने की कोशिश की और उस दरमियान वह उस पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। उससे सबक लेने की बजाय ये लोग लापरवाही की हद को पार करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी भी रजरप्पा मंदिर स्थित छिलका पुल के ऊपर से पानी की तेज बहाव बह रही है और लोग को सतर्क होने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उस पुल को पार करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर लापरवाही की हद को पार करते नजर आ रहे हैं, जबकि रामगढ़ में बीते कुछ दिनों के अंदर करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों की पानी की बहाव में बहकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं, जबकि मंदिर समिति और स्थानीय लोगों द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से अलर्ट भी किया जा रहा है, तब भी लोग मानने को तैयार नहीं है और इस प्रकार की जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने देखा था कि किस प्रकार से एक युवक, जिसको कि मंदिर समिति और स्थानीय लोग और प्रशासन के द्वारा मना किया जा रहा था, फिर भी वह जिद करके पुल को पार करने का कोशिश किया। उसका नतीजा हुआ कि वह पानी के तेज बहाव में बह गया और अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। अब यह लोग इतनी बड़ी तादाद में एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पानी का तेज बहाव है। आखिर क्यों इस तरह के ये लोग हरकत कर रहे हैं? अपने जान को जोखिम में डालकर क्यों पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कई घटनाएं रामगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में घट चुकी है और पानी के तांडव का लोग शिकार हो चुके हैं। आप अपने परिवार और घर की चिंता करते हुए ऐसी हरकतें ना करें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें, क्योंकि आपके बाद आपके घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है। लगातार बारिश होने के कारण छिलका पुल के ऊपर से काफ़ी पानी हो गई है और इतना पानी होने के बावजूद भी श्रद्धालु उसी पुल पर आर पार होना चाहते हैं और आर पार होने के दरमियान दुर्घटनाएं घट जाती है, जो घटनाएं इतनी बड़ी हो जाती है कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है, फिर भी लोग उसी पुल के ऊपर से पार होना चाहते हैं। समय समय पर मंदिर न्यास समिति के द्वारा लाउड स्पीकर से अलाउंस भी किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि उस पुल के आसपास कोई न जाए, पुल के ऊपर से पार न हो। जिला प्रशासन के द्वारा भी समय समय पर निगरानी की जाती है, जो आसपास लोग रहते हैं उसको हटाया जाता है, लेकिन फिर भी जैसे ही पुलिस हटे, मंदिर समिति के लोग हटे और तुरंत फिर पानी पे जाना, पुल पर जाना प्रारंभ कर देती है और उसी दरमियान ये घटना घट जाती है। लेकिन लोगों को सबक लेने चाहिए कि आप इतने श्रद्धा से मंदिर पहुंचते हैं, इतने दूर से आते हैं, इसके बावजूद भी आप लोग इस तरह के काम करते हैं और दुर्घटनाएं घट जाती है, जो बड़ी अफसोस की बात होती है। पिछले 42 वर्षों से अपनी ईमानदारी और सेवा भाव के बदौलत रामगढ़ वासियों का भरोसेमंद बगड़िया परिवार की नई आउटलेट बगड़िया फर्निशिंग का भव्य शोरूम अब रामगढ़ शहर के मेन रोड जैन मंदिर के पास भी खुल गया है। ध्यान रखें, नया बगड़िया फर्निशिंग आउटलेट सुभाष चौक के निकट जैन मंदिर के पास खुला है, जहां वातानुकूलित आउटलेट में आपको चुनिंदा आइटम, आकर्षक उपहार और स्पेशल ऑफर के साथ मिलेंगे। फर्निशिंग के सभी रेंज जैसे बेडशीट, पर्दा, डोरमेट, गिफ्ट आइटम्स, फ्लावर पॉट, किचन आइटम्स, क्रॉकरी, स्टील, पीतल व तांबा के बर्तन, मैट्रेस, कारपेट, प्लास्टिक आइटम्स, सिंगार एवं कॉस्मेटिक के हजारों आइटम्स, वह भी बेहद ही जायज दर पर। आप एक बार हमारे नए आउटलेट में आए और हमें
अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बगड़िया फर्निशिंग, मेन रोड जैन मंदिर के बगल में, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।